एसजीवीपी के हम पांच सभ्य महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर एमआईएमसी के संस्थापक पूज्य संघ सेना जी के निमंत्रण पर लेह स्थित देवाचंद में 7 दिन की यात्रा पर गए और एमआईएमसी के संत जनानंद के उष्मा सबर स्वागत से हम भावुक हो गए। खुली मिट्टी के पहाड़, चमकती बर्फीली पर्वत की चोटियां, भारतीय सैनिकों से भरा लेह का एयरपोर्ट, विदेशी प्रवासियों की भीड़ और प्राणवायु की कमी के बीच लेह के आंगन में सिंधु के किनारे पहाड़ की गोद में 250 एकड़ में फैला महाबोधि मॉनेस्ट्री कैंपस एक बौद्ध तपस्वी की तरह स्थिर लगा। 21 जुलाई शाम को स्वयं संघ सेना जी हमें कैंपस की सीबीएसई स्कूल की असेंबली में ले गए, फिर वृद्धाश्रम, हॉस्पिटल, छात्र निवास, हर्बल गार्डन, मेडिटेशन सेंटर से होते हुए हमने पूरे देवाचंद के दर्शन किए। संघ सेना जी की आध्यात्मिकता को हम महसूस करते हुए अति प्रसन्न हुए। 22 जुलाई को हम श्रीनगर हाईवे से होते हुए शाम वैली संघ सेना जी के पैतृक वतन गए। हाईवे पर प्रसिद्ध अति प्राचीन गुरुद्वारा आलची मॉनेस्ट्री, सिंधु सतलज के संगम के दर्शन करते हुए शाम वैली नम्र होटल पहुंचे। ग्लेशियर्स की पिघलती बर्फ से बहते झरने, पहाड़ों के बीच वैली में पनपते गांव, हरियाली, उनकी रक्षा करते प्राचीन बौद्ध देवालय, मणि की रिदम पर गूंजती मालाएं, पहाड़ की करवट जैसे लड़ाकी लोगों के चेहरे, संतुष्टि से तरबतर मनोभाव देख के हमें एहसास हुआ कि भारत अभी यहाँ जिंदा है और भारत अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। 24 जुलाई को हम संघ सेना जी के साथ पेंग्योंग सरोवर की यात्रा पर गए। रंग बदलती पहाड़ की चट्टाने, बर्फीले पहाड़, बयावह रास्ते, मोहक फूलों की चादर को छूते हुए हम 17,688 फीट ऊंचाई पर स्थित विश्व के दूसरे ऊंचे चांगला पास पहुंचे। संघ सेना जी की उपस्थिति से वहां चहल पहल मच गई। गर्म चाय की चुस्ती लेते हुए दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए हम पेंग्योंग लेक पहुंचे। बड़ा ही विस्मयकारक दृश्य था वो। ग्लेशियर्स के पीछे डूबता हुआ सूरज, 17,000 फीट की ऊंचाई पर कांच जैसा शुद्ध महासागर, श्रद्धा से पानी को छूते हुए टूरिस्ट, हवा में फरकते बौद्ध ध्वजाए, मणि घुमाते लोग, पेंग्योंग का शांत किनारा बार बार कह रहा था, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पेंग्योंग लेक से दूसरे दिन वापस आते वक्त पहले एक चरवाहा की झोंपड़ी में गए। संघ सेना जी के दर्शन से वह बूढ़ी पहाड़ी औरत भावुक हो गई। वहां से पद्मनाभ संभवा मॉनेस्ट्री गए। हजारों साल पहले सत्वशील लोगों ने कैसी तपस्या की है वो हमें उस जगह पर जाके एहसास हुआ। 7 दिन का यह प्रवास अविस्मरणीय था। हम आध्यात्मिकता को महसूस कर पाए। वृद्ध, गरीब, अपाइज और पहाड़ के वंचित बच्चों की सेवा में महाबोधि एक यज्ञ स्थली है और पूज्य संघ सेना जी मानवता की ज्योत। धर्म के नाम पर जो भी कार्य हो रहा है उस समर्पण के लिए मुझे महाबोधि पर गर्व है। भारत के हर सक्षम व्यक्ति को इस यज्ञ में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। ये यात्रा, हिमालय की यात्रा, एक यादगार यात्रा रही।